उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बहुत जल्द ही पूरे देश में लागू होने जा रहा है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सूत्रों की माने तो 20 जुलाई 2020 या उसके अगले हफ्ते किसी भी दिन ये अधिनियम लागू होने जा रहा है। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए। उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले ही दिनों कहा था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों का मसौदा तैयार हो चुका है। पीएम मोदी के दिशा निर्देशों में एक ऐसा कानून बना है जिसको लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना असरदार होगा नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019? बता दें कि पहले इस नए कानून को जनवरी में लागू करना था, लेकिन किसी कारण से लागू नहीं हो पाया। फिर डेट बढ़ाकर मार्च महीने में किया गया। मार्च में देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया और फिर लॉकडाउन लगने के कारण इसे लागू नहीं किया गया। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है। भ्रामक विज्ञापन पर होगी कार्यवाही। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्यवाही की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कठोरता से हो सके इसलिए की गई है। नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत CCPA में कर सकता है। मामला दर्ज कराने में आसानी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा पाएगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में सामान खरीदते हैं। मुंबई के बाद आप गोवा चले जाते हैं, वहाँ पता चलता है कि आपने जो सामान खरीदा है उसमें खराबी है, तो आप गोवा के ही किसी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप बिहार लौट जाते हैं तो आप नजदीकी किसी भी उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पहले के उपभोक्ता कानून में इस तरह की सुविधा नहीं थी। आपने जहां से सामान खरीदा है वहीं जाकर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना होता है। इसके साथ ही साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा और त्वरित गति से उसका निपटारा करेगा। इस प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वो भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाए। इस प्राधिकरण के पास अधिकार है कि वो 2 वर्ष से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाने के साथ साथ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का। इसका नेतृत्व महानिदेशक CCPA करेंगे। नंबर 2, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन। इस आयोग का काम है कि अगर कोई आपसे अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है, तो इसकी शिकायत CDRC सुनेगी और फैसला सुनाएगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं। PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फॉर्म में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया। खाने पीने की चीजों में मिलावट तो कंपनी पर जुर्माना और जेल का प्रावधान। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन, दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से उसके ऊपर के केसों की सुनवाई। कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत। सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने वालों की अगर गलती मिलती है तो शिकायत होगी और कार्यवाही भी। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।